सो हेलो गाइस, आप सभी लोगों का टेक्निकल माजी यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने इसके ऊपर एक पहले से वीडियो बना कर रखा हूं, तो दोस्तों उस वीडियो में कोडिंग के थ्रू बताया था कि आप कोडिंग के थ्रू कैसे एडिट करके, मतलब कि कोड को कैसे एडिट करके आप अपनी वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसको एडिट करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप कोडिंग के थ्रू एडिट करना चाहते हैं तो मैं वो वीडियो इन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वो कोडिंग के थ्रू एडिट कर सकते हैं। बट दोस्तों, जो बहुत सारे यूज़र हैं, जो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उनको जो कि कोडिंग कभी नहीं किए, तो थोड़ा उनको कोडिंग करने में दिक्कत होती है, थोड़ा कोडिंग में जाकर एडिट करना प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आज की स्टूडेंट बताऊंगा बिना कोडिंग के द्वारा आप कैसे अपनी जो कि टेम्पलेट है उसको कैसे अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को एक टेम्पलेट का कोडिंग यहाँ पर दिखाऊँ, तो दोस्तों अगर आप ये कोड देख रहे हैं तो इसमें डिज़ाइन करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, या दोस्तों इस कोडिंग में थोड़ा करना डिफिकल्ट होगा। तो आज की स्टूडेंट बताऊंगा बिना कोड के द्वारा, मतलब कि आपको कोड में जाना ही नहीं, एडिट या एचटीएमएल करना ही नहीं, बल्कि आप बिना कोडिंग के लेआउट के द्वारा आप बहुत आसानी से अपनी जो टेम्पलेट को उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं माजी महफूज। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर। गूगल से वहाँ से कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कर लेनी है, मतलब कोई अच्छी सी रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट डाउनलोड कर लेनी है। तो उसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाई है कि आपको कैसे रिस्पॉन्सिव थीम डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं उसको आई बटन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। मैंने टेम्पलेट डाउनलोड किया, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ इस वेबसाइट में लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर टेम्पलेट लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर टेम्पलेट डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप जैसे कि पहले जो टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको बैकअप लेना है, सिंपली बैकअप करके वो तो बैकअप जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, वो बैकअप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बैकअप नहीं करना, सिंपली रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर पर क्लिक करके आप नई थीम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अपलोडेड का ऑप्शन आ चुका है, सिंपली इस पर क्लिक करके आप एक थीम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो थीम मैं पहले से डाउनलोड किया हूँ, तो मैं जाता हूँ डेस्कटॉप आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने ये थीम डाउनलोड की है। दोस्तों, अगर आपने भी कोई ब्लॉगर के लिए या फिर वर्डप्रेस के लिए कोई थीम डाउनलोड की है, तो आपको ध्यान देना, आपको एक्सएमएल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है, ना कि ये सब, ठीक है। आपको ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, तो आपको यही डाउनलोड करना है। उसके बाद सिंपली ओपन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं रिस्टोरिंग थीम, तो यहाँ पर ये जो अपलोड हो रही है, यहाँ पर जो कि सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करूँ व्यू ब्लॉग, तो अब देखें यहाँ पर ये जो चीज़ें वो अपलोड हो चुकी है। जी दोस्तों, मैंने यही जो है कि डाउनलोड किया था, और यहाँ पर पूरी तरीके से ये हो चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको कैसे कस्टमाइज़ करेंगे बिना किसी एचटीएमएल कोडिंग को एडिट करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जो ब्लॉगर ओपन कर लेना, और यहाँ से सिंपली आपको लेआउट में चले जाना है। तो मैं भी यहाँ पर लेआउट में चले जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, लेआउट में आएंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले एडिट क्या करना है, मान लीजिए हमें अपने लोगो को चेंज करना है। यहाँ पर मैं लोगो से स्टार्ट करता हूँ, तो सिंपली मैं लोगो पे जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर लोगो को मिल जाएगा, सिंपली लोगो वाले पे क्लिक करके आप यहाँ से जो मर्ज़ी आप यहाँ पर यहाँ से डाउनलोड किए हैं लोगो आप लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं इसी मोस्क को, और यहाँ पर जैसे आपकी जो वेबसाइट वो आप लिख कर सिंपली सेव कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोगो लगा दीजिए कुछ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सोशल टॉप्स दिखेगा, मतलब सोशल आइकन है, तो यहाँ पर एडिट करके आप सोशल आइकन पर अपने फेसबुक पेज का, ट्विटर, यूट्यूब और बाकी इंस्टाग्राम को आप लगा सकते हैं। अगर आपको कोई अनदर्स और मतलब कि ऐड करना है इसमें, तो सिंपली आपको यहाँ पर मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पर आपको फेसबुक ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर फेसबुक लिख दूँगा और यहाँ पर URL देके सिंपली ऐड लिंक पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर एक और लिंक बन जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोशल मतलब कि आइकन है ये यहाँ पर बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर टॉप पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कोई ऐड करेंगे तो यहाँ पर और चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि मेनू को हम कैसे मतलब कि एडिट करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मेनू का ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर मेन मेनू, ठीक है। सिंपली यहाँ पर एडिट की बटन देखे थे, तो इस पर एडिट करके आप अपने मेनू को चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या मेनू चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं, अपने हिसाब से मैं आपको सिर्फ जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने मेनू को अच्छे खासे जो आपको मेनू चाहिए, जिस हिसाब से आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो
जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं चाहिए फीचर्स वाला, तो अगर आपको एडिट करना है या फिर डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ से इसको डिलीट करते हैं कर सकते हैं। तो ये जो दोस्तों हैं ये डिलीट हो जाएगी। अगर आपको फिर कोई और ऐड करना, मान लीजिए मुझे ब्लागर ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पर मैं ब्लागर लिख कर और यहाँ पर उसका लिंक दे दूँगा, फिर उसके बाद ऐड लिंक पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ब्लागर का एक क्रिएट हो चुका है। फिर सिंपली मैं अगर इसको सेव करके आप लोगों को दिखाऊँ, तो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख लें ये सेव हो चुका है। अगर मैं जाऊँ इस वेबसाइट में इसको रिफ्रेश करूँ तो आप लोग देखेंगे अभी यहाँ पर ब्लागर का एक जो मेनू आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक ब्लागर का मेनू आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कुछ इस प्रकार से यहाँ से जो आप करना चाहते हैं वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अरे आप लोग यहाँ पर देखें फोटोग्राफी, ये सब चीज़ें आप भी एडिट कर सकते हैं। तो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको जाना यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर गैजेट का ऑप्शन है, यहाँ पर फेसबुक का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें फेसबुक का यहाँ पर आइकन है, तो आप लोग यहाँ पर फेसबुक पेज का अगर मन कहे आपको लगाना है तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है, आप यहाँ पर अपने फेसबुक पेज को लगाए रहें, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना, अपने फेसबुक पेज का लिंक दे देना है। तो यहाँ से आप लोगों को फेसबुक पेज का जो लिंक है आप लोगों को दे देना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देखें, जैसे http है www.facebook.com, ये जो टेम्पलेट की मतलब का है, टेम्पलेट का जो फेसबुक पेज है यहाँ पर ये दिया गया है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक के कोड को हटा करके आपको अपना कोड दे देना अपने फेसबुक पेज का, ठीक है, आपको ऐसे दे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेव कर देना है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर टैब वन की बात, फैशन की बात करें, तो अगर आप इसको जो चाहें यहाँ पर, जैसे कि आप अपने यहाँ पर फैशन है, रिसेंट है, कमेंट है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हैं जो आपका मन का। जैसे यहाँ पर फैशन पर मैं एडिट करूँगा, तो यहाँ पर अगर आप लोग कोई दूसरा लगाना है या फिर इसको रिमूव करना है मान लीजिए, तो मैं सिंपली यहाँ पर रिमूव करके रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर रिमूव हो चुका है। फिर अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ यहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारी, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और बनी हुई, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर फॉलो बाई ई मेल द्वारा, आपको अगर कोई फॉलो करता है तो ई मेल के द्वारा फॉलो कर सकता है, ठीक। यहाँ पर आपका जो वीडियो, यहाँ पर इमेजेस बाई गैलरी, यहाँ पर अपनी वीडियो को लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें रिमूव करनी है तो सिंपली जाएं यहाँ पर और यहाँ से एडिट करके आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल मैं ये सब्सक्राइब आशा है इसको रहने देता हूँ। यहाँ पर फोटोग्राफी को मैं एडिट कर देता हूँ, रिमूव, ओके। यहाँ पर टैग को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पर फॉलो बाय ईमेल, सब्सक्राइबेशन अस और यहाँ पर ब्लॉग, ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप लोग देखें अभी ये सब सारी चीज़ें जो है कि हट जाएंगी, जिसको मैंने रिमूव किया है। तो सो देख रहे हैं यहाँ पर जो चीज़ें मैंने रिमूव की थी वो सिंपली हट चुकी है, ठीक है। अब लोग को यहाँ पर लोगों में नहीं लगाएं तो यहाँ पर इसकी साइज़ आ रही है, तो आप लोग कोई भी लोगों यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है। और मैं नीचे उसके बाद स्क्रॉल करूँ यहाँ पर फोटर की बात, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर फोटर लगा सकते हैं। तो कैसे, तो मैं बताता हूँ। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पर फोटर वाले सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेफ्ट, सेंटर, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल लगा देता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। रिमूव करके सिंपली मैं यहाँ पर अपने प्रोफाइल का लिंक दे देता हूँ। तो मैं जाऊँगा सिंपली ऐड गैजेट पर, तो यहाँ से मैं आप अपनी जो वेबसाइट है उसको दे देता हूँ। मान लीजिए मुझे देना है वेबसाइट के, यहाँ पर प्रोफाइल का, सिंपली मैं प्रोफाइल वाले पे यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर दूँगा, फिर यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा, तो ये जो मेरी प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं अगर इसको रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोफाइल आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी आप बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं, जो है कि रिसेंट इन स्पोर्ट, ठीक है। तो मैं अगर जाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं कुछ दूसरी चीज़ें दे देता हूँ इसको हटाकर, तो मैं यहाँ पर सिंपली लेवल का दे देता हूँ, ठीक है। फिर मैं जाऊँगा ऐड ए गैजेट, फिर यहाँ से मैं लेबल दे दूँगा, ठीक है, जो मैं लेबल यूज़ करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मैं लेबल को दे देता हूँ, ठीक। फिर मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ब्यूटी का जो ऑप्शन है मैं उसको भी एडिट कर देता हूँ। एडिट करने के बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूँ हमेशा के लिए। यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, फिर जाऊँगा ऐड ए गैजेट और यहाँ से कोई जो है कि जो मेरा मन का है, आपका जो मन का है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर फॉलोअर का लगा देता हूँ, ठीक। फिर आपको सेव कर देना है,
फिर मैं जाऊँ अपनी इस वेबसाइट में और इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँ, तो दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेवल, इतने सारे लेवल हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लेवल आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर फॉलोअर्स, अभी कोई भी फॉलोअर्स नहीं, इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर देखें सोशल आइकन, यहाँ पर भी आप एडिट करके आप अपने लिंक फेसबुक पेज, ट्विटर का दे सकते हैं, और बाकी इसको आप एडिट कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं क्रिएट बाय ज़ोरो टेम्पलेट, तो आप इसको यहाँ पर भी एडिट करके आप अपने जो है कि वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ सोशल आइकन में आपको अपने कैसे लिंक देना है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आपको फेसबुक का लिंक दे रहा है, सिंपली आपको जाना है एडिट में। एडिट में आपको बस यहाँ पर आपने अपने फेसबुक पेज का URL दे देना है। ठीक है, URL दे देने के बाद सिंपली सेव कर देना है, तो ये दोस्तों सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर लेना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ इस प्रकार से अपनी जो वेबसाइट है उसको बिना कोडिंग के द्वारा ही बहुत आसानी से, अगर 5 मिनट भी टाइम देते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।